नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने के बाद प्रदेश में सीएम पद के लिए कांग्रेस का मंथन जारी है। 135 सीट जीत कर आई कांग्रेस की तरफ हर किसी की नजर है। कभी सिद्धरमैया तो कभी डीके शिव कुमार का नाम आगे आता है, कभी एक सीएम एक डिप्टी सीएम तो कभी एक सीएम को तीन डिप्टी सीएम की बात सामने आती है। कांग्रेस कर्नाटक में इस बड़ी जीत का श्रेय हर बड़े नेता को देना चाहती है और उसी के अनुरूप उन्हें वो जिम्मेदारियां सौंपना चाहती है। कांग्रेस ऑब्जर्वर सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह ने रविवार देर रात एक विधायकों से बातचीत की। सबका मन टटोलने के बाद सभी ऑब्जर्वर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रात तक अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे, बाकी लोगों से भी राय ली जाएगी। वहीं मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस महासचिव के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरु में ऑब्जर्वर्स ने होटल शांग्रीला में विधायक दल की बैठक के दौरान नए विधायकों से 4-5 घंटे तक बातचीत की। कांग्रेस लीडर बीके हरिप्रसाद ने सोमवार को बताया कि मीटिंग में राय जानने के लिए सीक्रेट बैलेट वोटिंग भी हुई। उधर खबर ये भी है कि सिद्धरमैया के बाद डीके शिव कुमार को भी दिल्ली बुलाया गया है। आज उनका जन्मदिन भी है। उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, कार्यकर्ता घर पर मिलने आ रहे हैं, पूजा पाठ भी है, अभी दिल्ली जाने पर कोई फैसला नहीं किया गया है, हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है, मुझे जो काम सौंपा गया था वो मैंने पूरा कर दिया है, मुझे नहीं पता जन्मदिन पर हाईकमान मुझे क्या तोहफा देंगे। वही कर्नाटका के लोग पहले से ही हमें नंबर्स दे चुके हैं। अब इसी बीच खबर ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री की घोषणा संभवतः मंगलवार को हो सकती है। सूत्रों की माने तो हिंदू धर्म में मंगलवार को बजरंगबली का दिन भी माना जाता है। ऐसे में समझा जा रहा है कि कांग्रेस में इसी दिन कर्नाटका के नए और अगले सीएम का ऐलान कर सकती है। तो और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।